हेलो एवरी वन देर टोडेसिंग पिकुनरी एज एज टेरिटोरियल जूजन ऑफ दिविल कोर्ट्स इन पाकिस्तान इन दिस रिगार्ड सेक्शन सिक्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर पिक्यूनरी जुजस्डिक्शन पिक्युनरी जुजडिक कोट्स की कौन सी है वो ऐसी जुजडिक्शन है जिसमें सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ दूट मस नाट एक्सीड दिक्यूनरी लिमिट यानी जो सूट की वैल्यू है वो उसकी से नहीं करनी चाहिए। अगर एक्सीड करेगा तो कोट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सूट सो मूविंग फर्द Uh, we will see the territorial jurisdiction of the courts in pakistan so in this regard uh, section in this regard section 9 of cpc says the court shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred कोर्ट के पास वो तमाम अख्तियार हैं कि वो कुछ भी सूट को सुन सकता है लेकिन एक्सप्रेसली अगर उसको जो है ना उसकी रिकॉन्ग्जन बाढ़ किया गया है, कि हो या एम्प्लाइडली दो कंडीशन बताएं कि एक्सप्रेसली अगर बाढ़ हो या एम्प्लाइडली उसको बाढ़ किया गया हो तो वो तमाम सूट्स को कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती बाकी तमाम सूट कोर्ट सुनने के अख्तियार रखते हैं सिविल कोर्ट्स इसकी आगे एक्सप्लेनेशन दी है अ अ सूट सूट इन द राइट टू टू प्रॉपर्टी और ऑफिस इज इज ऑफ सिविल नेचर सिविल नेचर का सूट कौन से सूट हो सकते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन है अब जो एम्प्लाइडली सेक्शन नाइन के अंदर जो चीज़ें एक्सप्रेसली एम्प्लाइडली बार्ड किए गए थे उनके आगे फर्दर सेक्शन ये बता रहे है कि सेक्शन टेन सेक्शन टेन इज अ प्रिंसिपल ऑफ सब्जुडिस Which is very important in the, in, in dealing with the uh, civil matter. Rest subject is kya hai? no court shall proceed with the trial of, of any suit in which the matter is, is, matter in issue is already is already directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties. और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे आर और एनी ऑफ देम क्लेमिंग सेम टाइटल अदर कोर्ट्स इन पाकिस्तान अभी इसकी ये सेक्शन हमें क्या बता रहा है सेक्शन के मुताबिक कोई भी कोई भी कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो प्रोसीड करे किसी ट्रायल का अगर वो सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी पेंडिंग हो किसी और कोर्ट में बिटवीन द सेम पार्टीज और सेम सब्जेक्ट ऑफ द मैटर यानी सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम पार्टीज के दरमियान ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट सूट है वो पेंडिंग है तो कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा ट्रायल का उसी सब्जेक्ट मैटर को उसी पार्टीज के दरमियान सो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज सबिस यानी ये जो ऊपर वाले सेक्शन के एक्सप्रेसली और इम्प्लायडली बार्ड किया गया फर्दर न, से एक्सप्लेन कर रहा है टू तो ग्रांट रिलीफ क्लेम और ये आगे फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है की इसकी है ये क्या बता रहे द पेंडेंसी ऑफ सूट इन अ फॉरन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन पाकिस्तान फ्रॉम ट्राइंग सूट फाउंडेड ऑन दिसम को अब ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है फर्दर बार है ये क्या कह रहा है कि जो फॉरेन कोर्ट्स में अगर मिसाल तौर तो पर एक कोर्ट है जो कि पाकिस्तान के टेरिटोरियल लिमिट में नहीं आता तो वो अगर ऑलरेडी सेम सब्जेक्ट मैटर सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम पार्टीज़ के दरमिया कोई और सूट वहाँ पर इंस्टीट्यूट हुआ और वो ट्रायल के अंदर मौजूद हो तो अगर इसी सेम कॉज ऑफ एक्शन और सेम पार्टीज़ के दरमियान अगर यहाँ पर कोई कुछ सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा तो वो प्रिक्लूड नहीं होगा यानी वो एंटरटेन सिविल कोर्ट करने का मजाक रखता है नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेस्ट ड्यूटी काटा रेस्ट ड्यूटी काटा क्या हमें द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट ड्यूटी काटा क्या कह रहा है रेस्ट ड्यूटी काटा यह है कि नो कोर्ट शैल ट्राई सूट और इशूज इन विच सब्जेक्ट मैटर directly and substantially in issue has been directly and substantially in, in former suit between the same parties or between parties under whom they were claiming on litigation under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which the suit has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court the difference between res judicata and sub judice is that फॉर्मर उसमें सूट पेंडेंसी हो तो दोबारा से सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाता इसमें ऑलरेडी अगर कोई डिसाइडेड सूट वो हो सूट को डिसाइडेड हो सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम कॉज ऑफ एक्शन पर तो उस बेस पर कोई और दूसरा सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता सिविल कोर्ट में यानी ऑलरेडी डिसाइड हुआ हो कोर्ट केस केस दोनों पार्टीज़ के दरमियान तो दोबारा से आप उस कॉज ऑफ एक्शन पर सूट नहीं दायर कर सकते एक्सप्लेनेशन एकस्विन, क्या है द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शेल डोनेट अ सूट विच हैज़ बिन डिसाइडेड प्रायर फॉर्मर सूट से मराद अब यहाँ फॉर्मर सूट की एक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि फॉर्मर सूट से मराद क्या है वो ऑलरेडी डिसाइडेड सूट है टू फॉर द परपज ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट शेल बी डिटर्मिन इर रिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन एज अ राइट ऑफ अपील फ्रॉम डिसीजन ऑफ द दच कोर्ट यानी कॉम्पिटेंसी कोर्ट की जो है ना डिटर्मिन होगी ऐसे राइट ऑफ अपील से हट कर ठीक है जी राइट ऑफ अपील अलग चीज़ है कॉम्पिटेंसी हम ट्रायल कोर्ट के उसमें देखेंगे द मैटर सेक्शन थ्री मैटर अबो रिफर्ट एस फॉर्मर सूट हैज बीन एलेक्ट बाई वन पार्टी एंड ये है कि एक पार्टी ने एलज किया हो दूसरे पार्टी ने जो है ना वो उसको डिनाई किया हो एक्सप्रेसली एम्पलाइडली फॉर एनी मैटर दैट विच हैज माइड और आट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस यानी जो सूट में जो ग्राउंड ऑफ डिफेंस लिया गया था दूसरे कोर्ट में भी सूट में भी ग्राउंड ऑफ डिफेंस लिया गया हो रिलीफ भी सेम अच्छा, बौनुफार हो दोनों के दरमियान अच्छा बोनोफाइड हो बोनोफाइड इंटरेस्ट के बेस पे कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में आ गई हैं सेक्शन फर्दर सेक्शन ये कह रहा है कि सेक्शन टवेल्व बारह बारह वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल प्रैक्टिस बारह दो की अप्लिकेशन मोस्टली जो है ना सिविल प्रैक्टिसेस में या जो बड़े hmm, इम्पोर्टेंट का अहमियत हा, का हामिल है तो बारह दो क्या कह रहे हो प्लानिफ इज़ प्रकलूडेड बाय रूल्स फ्राम इंस्टीट्यूटिंग सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन ही शेल नॉट बटल इन एनी कोर्ट टू विच दिस कोर्ट अप्लाइज। अगर किसी प्लान को प्रक्रूट किया गया है फर्द सूट जो है ना वो करने का करने से uh, किसी कॉज ऑफ एक्शन पर तो वो uh, किसी और कोड में इंटाइटल नहीं है कि वो उसी बेस पर उसी काज ऑफ एक्शन पर सूट इंस्ट्यूट uh, कर सकते हैं बारह दो बारह दो इज़ सो so इम्पॉर्टेंट ये क्या कह रहा है कि अगर मिसाल तौर तो पर डिग्री हो गई है कोर्ट की तो आप डिग्री को चैलेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस बारह दो की अप्लीकेशन के साथ वेयर अ पर्सन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट डिग्री और एनी अदर प्ले फ्रॉड यू कैन प्ले अ फ्रॉड मिस रिप्रजेंटेशन और वॉन्ट ऑफ हीन यू शिल रेमडी बाई मेकिंग एन अपलिकेशन टू द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट अब वो बारह या दो की एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ दोगे उसी कोर्ट में दोगे जिसमें फाइनल जजमेंट और डिग्री पास हुई है तो दिस इज वॉट बारह दो नेक्स्ट इज सेक्शन थर्टीन अ फॉरन जजमेंट शेल बी कंक्लूसिव यानी फॉरन जजमेंट भी कंक्लूसिव समझा जाएगा अनलेस एंडेल वेयर इट हैज बीन प्रोनाउंस बाई अ कोर्ट ऑफ कम्पट जुजडिक्शन ये नहीं अगर वो कॉर्ट ऑफ कम्पट कम्पिटेट जुजस्टिक्शन ने पास नहीं किया हो तो, तो वो अथॉरटीज नहीं समझा जाएगा अगर मैरिट पर नहीं हो तो बी मैरिट पर नहीं हो तो वही नहीं समझा जाएगा इन करेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिफ्यूजल रिफ्यूजल टू रिकोगनाइज द लॉ ऑफ पाकिस्तान तो ये भी इस पर कोई कंक्लूजन नहीं समझा जाएगा वेयर द प्रोसीडिंग इन विच जजमेंट इज वॉलोटेन और अपोज नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट अगर कोई जजमेंट पास किया गया हो वेर इट हैज़ बिन ऑप्टेन बाई फ्रॉड फ्रॉड के जरिए ऑप्टेन किया गया सस्टेन्स क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ लॉ तो ये इन तमाम चीज़ों के बेस पर अगर वो लॉ जजमेंट uh, हासिल किया गया है तो सजमेंट जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा द कोट शेड प्रोज्यूम सेक्शन फोर्टीन द कोर्ट शेल प्रोज्यूम अपॉन द प्रोटक्शन ऑफ एन डॉक्यूमेंट परफाइड कॉपी ऑफ फॉरन जजमेंट यानी टू सर्टिफाइड कापी अगर किसी कोर्ट के मैं पेश किया जाएगा तो वो उसको कंक्लूसिव समझा जाएगा Uh, किसी फॉरन जजमेंट का अनलेस द दरी अपेयर्स उसमें कोई प्रजम्पशन अटैच हो तो उसको जो है ना कंक्लूजन कंक्लूज नहीं समझा जाएगा सेक्शन फिफ्टीन एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द दॉट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है कोर्ट आपके कहाँ पर अप्लाई होगा कहाँ पर आपने अप्लाई करना है लोवेस्ट ग्रेड में लोवेस्ट ग्रेड कंप्यूटर टू ड्राई द केस तो उसको आपने सबसे पहले उस की रेमडी अब अवे अपने अवेल करनी है जब आप सिविल प्रैक्टिस में आएंगे सिविल प्रैक्टिस में ये है कि सबसे पहले आपने दायरी ब्रांच में दायर कर देनी है केस का वो उसके साथ मार्क हो जाएगा केस केस माक होके कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ चला जाएगा लोवेस्ट ग्रेड उसके बाद हायर फिर हायर फिर हायर आगे सिक्सटीन सेक्शन सिक्सटीन विदाउट रेंट और प्रॉफिट फॉर दार्टीशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी ये तमाम सूट फॉर क्लोजर सेल रिडम्शन इन केस ऑफ मॉर्गेज और ये चीज़ें फॉर डिटर्मिनेशन इंटरेस्ट फॉर रिकवरी इंस्टीट्यूटेड ये तमाम चीज़ें जो है ना कम्पनसेशन फॉर क्लोजर डिटर्मिनेशन ऑफ रिकवरी ऑफ इमोल प्रॉपर्टी ये सब कहाँ इंस्टीट्यूट होगा विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुईन प्रॉपर्टी इज सिचुएट जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट करेगा वहीं पर आपने क्या करना है जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट करेगा वहीं पर आपने सिटुएट करना है और इन द केस ऑफ सूट्स रेफर टू इन क्लास सी सी के जो है ना वो क्लास में जो रेफर किया गया है एट द प्लेस वेयर दॉ एक्शन इज कॉज ऑफ एक्शन हैज़ Yani होल्ली और पार्टली अराइज ऑफ ऑफ होल्ली पार्टली जहाँ पर वहाँ पर आप कर सकते हैं प्रोवाइड ऑप्टेन दैट टू ऑपटेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग फॉर रॉन्ग टूबल प्रॉपर्टी यानी कम्पनसेशन का हेड ऑन बिहाफ डिफेंडन में वेर द रिलीफ साउट कैन भी इंटायरली ऑप्टे थ्रू हिज पर्सनल ओपीडियंस भी इंस्टीट्यूट आदर इन दर्ट विद इन दोकल लिमिट ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पर जो है ना वो डिफेंडन अगर वो अपनी पर्सनल ओबीडियंस के बेस पर वो क्लिक कर सकता है तो फिर वहाँ पे भी इंस्टीट्यूट किसी भी कोर्ट के लिमिट में कर सकता है दिस इज वट सेक्शन इज सेक्शन सेवनटीन वेयर अ सूट इज ऑपटेन सूट इज टू ऑपटेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू प्रॉपर्टी प्रोपर्टीट विद इन ऑफ डिफरेंट कोर्ट अगर सूट जो है ना वो प्रॉपर्टी इमो प्रॉपर्टी वो डिफरेंट कोर्ट के जोजिक्शन में आ रहा है तो सूट में भी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट किसी भी कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है विद इन दोकल लिमिट ऑफ वनी पोर्सन ऑफ प्रॉपर्टीड यानी अगर एक पोर्शन एक उसकी जोजिक्शन में आ रहा है कोर्ट के और दूसरा पोर्शन दूसरे जो आ रहा है तो इस सूट के अच्छा इससे इस केस इस में क्या होगा कि तमाम Uh, दोनों कोर्ट्स के दोनों कोर्ट्स के पास जो रिडिक्शन होगी कि वो दोनों कोर्ट इंटरटेन कर सकता है लेकिन इसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट जो है ना इंटायरली क्लेम किया जाएगा पूरा इंटायर क्लेम हो जाएगा सेक्शन एटीन वेयर इट इज़ अलेक्स डेड टू बी अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जो रिज्रक्शन ऑफ विच टू और मोर कोर्ट्स एनी मोन प्रॉपर्टी सिचुएट अनसर्टेनटी हो कि ये जो सब्जेक्ट वैल्यू है या सूट प्रॉपर्टी है वो किसकी जो में आएगा तो एनी ऑफ कोर्ट्स मेस इफ सेटिस्फाइड ऑन द ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी रिकॉर्ड असाइनमेंट अब वो क्या करेगा कोर्ट्स अनसर्टेनिटी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और कोई भी कोर्ट जो है प्रोसेप्ट कर सकता है और डिस्पोज ऑफ कर सकता है वो केसराइट दैट इस वन इन विच रिस्पेक्ट टू कोर्ट इज कम्पेंट एज रिगार्ड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ दिसज यो उसने विथ रिस्पेक्ट टू विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट हो यानी अगर वो कोर्ट की कॉम्पिटेंसी पिक्यून रिजेक्शन उसकी पूरी आ रही हो तो फिर वो समझा जाएगा कि कोर्ट ने राइटली एक्सरसाइज किया है स्टेटमेंट है कॉम्पिटेंट बाई अ कोर्ट नॉट हैविंग जोजन वेयर दी प्रॉपर्टीट नॉट अलाउ दी ऑब्जेक्शन ओपिनियन दे वॉज एट दिजेशनल ग्राउंड फॉर अगर जूडन तो एंटरटेन नहीं करेगा रिवीजनल कोर्ट अगर इसके बेस पर अगर उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जो है न जुजन एक्सरसाइज किया है तो सेक्शन नाइनटीन वेयर अट इज फॉर कंपनसेन और रॉन्ग डन टू टू दर्सन और इन मोवेबल प्रॉपर्टी इफ द रोंग वन विद इन दोकल लिमिट ऑफ इन वन कोर्ट इन डिपेंडेंट रिजाइड अच्छा अगर रॉन्ग डन टू अ पर्सन और इन मोबल प्रॉपर्टी किया है किसी बंदे ने तो वो रहता रॉन्ग डन किसी और हुआ है और वो रहता हुआ वो पर्सनल वर्क फॉर गेन डिपेंडेंट किसी और जगह में रह रहे हैं तो दोनों कोर्ट दूट मे भी इंस्ट्यूटेड एट द ऑप्शन ऑफ़ द प्लान स्पलेंटिव के ऑप्शन पे दोनों बहुत कोर्ट में भी किया जा सकता है फॉर एग्जांपल ए रिजाइडिंग इन कराची बी बी इन कोटा बी में सू ए आइदर इन क्वेटा और कराची दोनों में कर सकता है बाकी जो है ना सेक्शंस आप थोड़ा ली वो एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिएगा सेक्शन ट्वेंटी सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एयर फोर सेट एवरी सूट शेल बी इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफन अच्छा सूट कहाँ परूट करना है विदिन द लोकल लिमिट ऑफ हु या ईच ऑफ द डिफेंडेंस वेर दे आर मोर देन वन रेजाइड करते हुए कैरी ऑन बिजनेस करते हो और पर्सनल वर्क फॉर गेन करते हो वहाँ पर डिफेंडेंट जहाँ रिजाइड कर रहो वहाँ पर आपने या वो बिजनेस जहाँ कर रहा हो वहाँ पर आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं बी एनी ऑफ द डिफेंडेंट वेर दे आर मोर देन एट दुम एक्चुअली और वॉलटेरी रिजाइड और यानी वो एक्चुअली रिजाइड कर रहे हैं या वॉल्टियरली वो कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे आई कैन अपेयर बिफोर द कोर्ट है देर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर मी तो उस जगह पर इंस्टीट्यूट किया जा सकता है थर्ड द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट एराइज जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन होली राइज हो या पार्टली राइज हो उस जगह में कर सकता है अच्छा दो एक्सप्लेशन इसके अंदर वेयर अ पर्सन हैज़ हैज़ अ वन प्लेस एंड आल्सो टम्प्रेरी रिजाइड शेल भी डीम टू रिजाइड एट बोथ प्लेस यानी एक जगह पर टम्प्रेरी दूसरे पर परमानेंट है दोनों सेल भी कर सकते हैं कॉरपोरेशन शेल भी डीम टू कैरी ऑन बिजनेस ऑन इट इज़ सोल और प्रिंसिपल ऑफिस यानी सोल ऑफिस हो या प्रिंसिपल ऑफिस जहाँ पर ऑफिस हो वहाँ पर जो है ना आप कर सकते हैं उसका कॉरपोरेशन के खिलाफ एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं एज अ ट्रेड एज़ अ ट्रेड मैन इन लाहौर बी कैरीज ऑन बिजनेस इन कराची बी है बाई हिज एजेंट इन लाहौर बाई गुड फॉर ऑफ़ ए एंड रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर दैम टू दाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज ए डिलीवर गुड अकॉर्डिंग लाहौर ए मे शू फॉर एग्जाम्पल्स यू के सी द एग्जाम्पल गुड एदर इन लाहौर वे द दॉ एक्शन दोनों से कर सकता है सो दैट्स ऑल फॉर The jurisdiction of the civil courts in Pakistan. Do subscribe to this channel and uh, share as well. Thank you so much for.